न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शहरीन। गोंडा जनपद की सीमा धर्मदासपुर में कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक और मुकुट बिहारी वर्मा का सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और गोरा विधायक प्रभात वर्मा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ किया जोरदार स्वागत। कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक और मुकुट बिहारी वर्मा, सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और विधायक प्रताप वर्मा ने स्वामी नारायण छपिया मंदिर का दर्शन किया। मंदिर के महंत देव प्रकाश स्वामी से लिया आशीर्वाद। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में अंबेडकर नगर से शुरू हुई जनविश्वास यात्रा अयोध्या होते हुए मंगलवार को गोंडा जनपद के गोरा विधानसभा में पहुंची। जिले की बस्ती सीमा बॉर्डर के धर्मदासपुर गांव के पास कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक और मुकुट बिहारी वर्मा का सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और गोरा विधायक प्रभात वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ जोरदार स्वागत किया। जनविश्वास यात्रा स्वामी नारायण छपिया मंदिर में पहुंची, जहां कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक और मुकुट बिहारी वर्मा ने मंदिर के महंत देव प्रकाश स्वामी से आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको ऐसा क्या नेता चाहिए जो वास्तव में कानून का राज स्थापित करके सबको बराबर मुख्य धारा में लाने का काम कर रहा है। हम सब जानते हैं आज मुसीबत का दिन है, कोरोना काल में हमारा रोजी रोजगार बंद हो गया, तो आदरणीय मोदी जी ने सबको निःशुल्क राशन देने का काम किया। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, योगी जी ने लगातार निःशुल्क राशन देने का काम किया, यानी एक महीने में दो बार निःशुल्क राशन देने का काम किया। जब महंगाई की बात आई तो आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने हमें राशन के साथ साथ खाद्य तेल, नमक और चना भी देने का काम किया। हमारे बुजुर्ग माता बहन सभी लोग जानते हैं किसी भी मामले में हमारी सरकार पीछे। जन विश्वास यात्रा स्वामी नारायण छपिया मंदिर से मस्कनवा बाजार स्थित फार्म हाउस पर पहुंची, जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, विधायक प्रभात वर्मा सहित आए हुए अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप, शेष नारायण मिश्रा, महेश तिवारी, ठाकुर प्रसाद वर्मा, वीरेंद्र पांडे, जगन्नाथ चतुर्वेदी, विक्रम प्रसाद वर्मा सहित भारी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने पूरे प्रदेश के स्तर पर 6 यात्राएं प्रारंभ की हैं। अवध क्षेत्र की यात्रा अंबेडकर नगर जनपद से प्रारंभ होकर के परसों आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने प्रारंभ की थी। कल अयोध्या जनपद में हम लोग रात प्रवास अयोध्या में था, आज हम गोंडा जनपद में आए हैं। जब से हम लोग गोंडा जनपद में पहुंचे हैं, लाखों की संख्या में, बड़ी संख्या में नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने अपना आशीर्वाद जन विश्वास यात्रा को प्रदान किया है। लाखों की संख्या में जिस प्रकार से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 325 से अधिक सीटें लेकर दोबारा बनेगी और उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज कायम किया था अखिलेश यादव की और उनके पारिवारिक टीम ने, बुरी तरह से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको ध्वस्त कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे, लोगों को जो गरीब है, वंचित है, पीड़ित है, उनको मुख्य धारा में लाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, बीजेपी सरकार ने किया है। उसके बावजूद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी अनुपयोगी है। दरअसल जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो खींच चुके हैं, डिरेल्ड हो चुके हैं, उनको लगता है कि उनके पुराने दिनों की याद जनता को कर लिया है, इस प्रकार के उलझुल बयान देते हैं, उससे जनता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बताया कि सीबीआई प्लस ईडी, दरअसल आप जानते हो जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने जनता का धन लूटा है, उसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है और दर्द सपा के पेट में हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि चाचा साथ में आ गए हैं बीजेपी, दरअसल आप जानते हैं कि उन फुटेज को आप भूले नहीं होंगे, मीडिया कर्मी जिस प्रकार चाचा को धक्के मार करके भतीजे ने सत्ता के लिए निकाला था, महाभारत में दुशासन ने भी वैसा नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी सभी भाइयों को, सर्व समाज को, भाई से भाई जोड़ करके पूरे समाज को साथ लेकर चलती है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने वाली सरकार बनाती है। यानी आज केशव प्रसाद मौर्य बनाने के बाद मथुरा में मंदिर का निर्माण कर, देखिए हर हिंदुस्तानी के मन में दर्द है, हर हिंदुस्तानी के मन में इस बात की चिंता है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे हमारे भगवान राम हो, चाहे बाबा विश्वनाथ की धरती हो, चाहे मथुरा में भगवान श्री का धर्म स्थल हो, सभी भव्य बने और ये हमारे मन में भी इच्छा भव्य बने। सैलाब ब्यूटी जॉइंट, हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश, मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स, आर्ट आदि किए जाते हैं।
हेयर केमिकल, स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, कैरेटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5,000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।